आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारे नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जो दिख रहा है, घंटी का चिन्ह, उसको जरूर प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन घर बैठे सबसे पहले आपको मिल सकेंगे। दोस्तों, अंजीर जो होता है वो गर्म प्रकृति का होता है। सर्दियों में खाना इसको अमृत के समान माना जाता है। दोस्तों, हमने इसके बहुत सारे फायदे आपको वीडियो में पहले भी बताए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम और कुछ बचे हुए फायदे बता रहे हैं। दोस्तों, ये प्रदर रोग में बहुत लाभकारी होता है। अंजीर का रस 2 चम्मच शहद के साथ प्रतिदिन सेवन करने से दोनों प्रकार के जो प्रदर हैं, चाहे वो रक्त प्रदर है चाहे श्वेत प्रदर है, वो दोनों ठीक हो जाते हैं। यानी कि महिलाओं के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। दांतों का दर्द है तो अंजीर का दूध रुई में भिगोकर दुखते दांत पर रखकर दबाएं, आपका वो दर्द ठीक हो जाएगा। अंजीर के पौधे से दूध निकालकर उस दूध में रुई भिगोकर सड़ने वाले दांतों के नीचे रखने से दांतों के कीड़े खत्म होते हैं और दांतों का दर्द मिट जाता है। अगर आप बार बार पेशाब जाते हैं तो 3 से 4 अंजीर खाकर 10 ग्राम काले तिल चबाने से ये समस्या दूर हो जाएगी। त्वचा के अगर रोग हैं तो कच्चे अंजीर का दूध सभी त्वचा संबंधी रोगों पर लगाइए, वो एकदम ठीक हो जाएंगे। अंजीर के कच्चे फलों से दूध निकालकर सफ़ेद दागों पर लगातार 4 महीने तक लगाने से दाग मिट जाते हैं। अगर शरीर की गर्मी है तो पका हुआ अंजीर लेकर छील कर उसके आमने सामने 2 चीरे लगाएं। इन चीरों में शक्कर भरकर रात को ओस में रख दें। इस प्रकार से अंजीर को 15 दिनों तक रोज सुबह शाम खाने से शरीर की गर्मी निकल जाती है और रक्त वृद्धि होती है। अगर जुकाम है तो पानी में 5 अंजीर डालकर उबाल लें और इसे छानकर इस पानी को गर्म गर्म सुबह और शाम पीने से जुकाम में लाभ होता है। फेफड़ों के रोग हैं तो फेफड़ों के रोगों में 5 अंजीर 1 गिलास पानी में उबाल कर डालकर सुबह शाम पीना चाहिए छानकर। और मसूड़ों में यदि खून आता है तो अंजीर को पानी में उबालकर इस पानी में रोजाना 2 बार कुल्ला करें। इससे मसूड़ों में आने वाला दर्द और खून बंद हो जाता है तथा मुंह से बदबू आनी बंद हो जाती है। अगर खांसी है तो अंजीर का सेवन करने से सूखी खांसी दूर हो जाती है। अंजीर पुरानी खांसी वाले रोगी को लाभ पहुंचाता है क्योंकि ये बलगम को पतला करके बाहर निकालता है। अगला है, 2 अंजीर के फलों को पुदीने के साथ खाने से सीने पर जमा हुआ कफ धीरे धीरे निकल जाएगा। खून बढ़ाने के लिए अंजीर के टुकड़ों एवं बादाम को गर्म पानी में भिगोकर रख दें, फिर ऊपर से छिलके निकालकर सुखा दें। उसमें मिश्री, इलायची के दाने की बुकनी, केसर, चिरौंजी, पिस्ते और बलदाने कूट कर डालें और गाय के घी में 8 दिन तक भिगो कर रखें। यह मिश्रण प्रतिदिन 20 ग्राम की मात्रा में खाने से कमजोर शक्ति वालों के खून में वृद्धि होती है। 1 सूखा अंजीर और 5 से 10 बादाम को दूध में डालकर उबालें। इसमें थोड़ी चीनी डालकर प्रतिदिन सुबह पीने से खून साफ होता है, गर्मी शांत होती है, पेट साफ होता है, कब्ज मिटती है और शरीर बलवान बनता है। अगर मुहासे हैं तो कच्चे अंजीर का दूध मुहासों पर 3 बार लगाएं। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।